हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर की वीकली और मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में। वीकली स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, यहाँ पर आपको वीकली स्ट्रैटेजी मिल जाती है। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है और वो एक स्ट्रैटेजी बना करके डाल करके जाना चाहते हैं, उन्होंने नहीं भी देखा तो भी वो सिक्योर रहे या फिर बहुत कुछ ज़्यादा लॉस उसको उनके उसके अंदर ना हो, इस तरीके से स्ट्रैटेजी जो चाहिए जॉब वालों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। तो मंथली स्ट्रैटेजी जो है उसको डिप्लॉय करने के लिए हम लोग आज जो है वो सीखने वाले। पूरी स्ट्रैटेजी में आपको बना करके दिखाने वाला हूँ, उसके पीछे का लॉजिक भी बताने वाला हूँ, किस तरीके से डिसाइड करना है और डिप्लॉय करना है। और अगर आपको सारी ही स्ट्रैटेजी सीखनी है, पूरा एलटीपी कैलकुलेटर सीखना है और स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ अगर आपको सीखना है, एआई टूल्स का कैसे यूज किया जाता है, कहाँ से मिलेंगे एआई टूल्स, मैं खुद आपको बताऊंगा कौन से टूल्स यूज करने हैं, ठीक है। और कंप्लीट एक कोर्स रहेगा 1 मंथ का। अगर उसको कम्युनिटी वाइज ज्वाइन करनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज लास्ट डे है एडमिशन करने का, 1 अगस्त से जो है वो स्टार्ट होने वाला है बैच हमारा। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा येलो कलर की लाइन पर, ठीक है। तो अभी हम लोग डिप्लॉय करने का जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास जो है वो एलटीपी कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। अब एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वीकली रेंज तो हमारे पास ऑलरेडी होती है, जिसका कि अभी ब्रेकआउट हो चुका है और स्टॉप लॉस जो है वो रेजिस्टेंस का हिट हो चुका है, क्योंकि 24,000-25,000 तक मार्केट जा करके आया, ये रेंज फिर भी अपडेट नहीं हो रही, ठीक है। अभी हम लोग मंथली के अंदर काम करने के लिए क्या करेंगे, मंथली के अंदर काम करने के लिए हम लोग दो तीन चीजों का यूज जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि ओपन इंटरेस्ट में जाना है और निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कौन सा देखना है, मंथली वाला 29 अगस्त का यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 24,500 पर एक सपोर्ट है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर क्या है 25,200 पर एक रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मार्केट हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि 25,000 पर है, तो 24,500 यानी 500 पॉइंट नीचे, ठीक है। देखो यहां से 25,000 से 500 पॉइंट नीचे कौन सा लेवल है, ये वाला 24,500 का लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है, करेक्ट यहां पर। लेकिन आप लोगों को अगर मतलब रिस्की वाला ट्रेड लेना है तो 24,500 का आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको सिक्योर ट्रेड लेना है तो इस बॉटम का करीब करीब 700 पॉइंट नीचे 24,250 का आप सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे। और चार्ट में अगर देख करके करना है कि भाई सपोर्ट कहाँ से लिया है, तो ये वाला सपोर्ट लिया है बिल्कुल यहाँ का, आप क्या कर सकते हो 24,250 या फिर 300 का राउंड फिगर, 300 का पुट आप सेल कर सकते हो। अब 300 का जहाँ का पुट हम लोग सेल कर रहे हैं यहाँ का, ठीक है, ये कितने पॉइंट, 700 पॉइंट, 699 मतलब करीब करीब 700 पॉइंट डाउन साइड है, तो इतना ही ऊपर ले लेना है, 700 पॉइंट अपसाइड, ठीक है, कॉल के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, 700 पॉइंट नीचे का पुट सेल करोगे, 700 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल करोगे। लेकिन इसमें दिक्कत किस बात की आती है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की, ठीक है। 25,700 का ये निकल करके आ रहा है। अब देखो ऑल स्ट्राइक पर क्लिक करना है, ऑल स्ट्राइक पर और फिल्टर बटन पर आपको प्रेस करना है। नीचे जब आप जाओगे तो सारी ही स्ट्राइक प्राइस का आपको प्राइस जो है वो मिल जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें 25,000 के लेवल पर, तो ऊपर की तरफ 25,500 यानी 138 पर ये मिल रहा है, 138 का हम लोग क्या करेंगे, कॉल को सेल कर देंगे। सिंपल मैं आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाके स्ट्रैटेजी बना करके दिखा रहा हूँ, और मॉडिफिकेशंस भी उसके अंदर हम लोग देखेंगे। 25,500 का ऊपर 500 पॉइंट यानी ये वाला कॉल हम लोगों ने 2 लॉट में सिंपल सेल कर दिया, ठीक है। अब 500 पॉइंट 25,500 का अगर हम लोग कॉल सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से 500 पॉइंट नीचे हम लोग क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे यानी 24,500 का। लेकिन उसका प्राइस जरूर देख लेना, यहाँ पर कितना सेल किया है 138, ठीक है, तो नीचे भी 138 वाला ढूंढो। यहाँ पर देखो 138 24,400 का निकल करके आ रहा है, तो हम लोग इसको सीधा 24,400 का क्या कर देंगे, पुट जो है वो सेल कर देंगे। ये थोड़ी सी रिस्की मतलब थोड़ी सी 400 वाली जो स्ट्रैटेजी है ना वो थोड़ी सेफ जाएगी, है ना, मतलब 25,000 पे चल रहा है तो 24,500 का सेल करना चाहिए, लेकिन नीचे हम लोग थोड़ा सिक्योरिटी और बढ़ा लेते हैं 100 पॉइंट नीचे जा करके, ठीक है। तो ये एक आपको क्या बन गया, एक मंथली स्ट्रैंगल जो है वो बन चुका है। अब इसमें प्रॉफिट कब होगा, हम लोग प्रॉफिट तब होगा, देखो रेंज यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे हम लोगों ने सेल किया है 24,000
400 का ये वाला, इस बॉटम का हम लोगों ने पुट सेल किया है और ऊपर 500 का हम लोगों ने सिंपल कॉल सेल किया है। तो डेली चार्ट में अभी हम लोग यहाँ पर है और मार्केट बिल्कुल मिडल में, तो मिडल से सेम सेम ऊपर नीचे आप लोगों को कर लेना है, 150 पॉइंट इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्ट्राइक प्राइस जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपने कॉल को 140 रुपये में सेल किया तो पुट भी 140 वाला ही ढूंढना, ठीक है, इस तरीके से देखना। अब इतना एरिया है हमारे पास घूमने के लिए, ये कितना पॉइंट का एरिया हो गया, लगभग लगभग ऊपर से अगर देखें हम लोग तो ऊपर से करीब करीब 1100 पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है, 1100 पॉइंट ये आपको दिख रहा है। तो 1000 पॉइंट, 1100 पॉइंट मार्केट में आपके पास रेंज है मंथली के अंदर ट्रेड करने के लिए, यानी कि 100, 200, 300 पॉइंट ऊपर नीचे से बहुत कुछ ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर जाते हैं, 25,200 तक इसको 250 तक लेकर के जाते हैं, और हम लोग देखते हैं इसको मंडे के दिन, क्या मंडे के दिन यहाँ पर हम लोगों को लॉस होगा? बिल्कुल नहीं, लॉस नहीं होगा हम लोगों को, ठीक है। और थोड़ा सा 300 के पास इसको लेकर के जाते हैं हम लोग ट्यूजडे, थर्सडे के दिन, वेनसडे के दिन, ठीक है, लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाएगा यहाँ से तो 100-200 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, तो हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, उसको 150 पॉइंट तक नीचे और गिरा देते हैं, ठीक है, और 2 दिन फिर से आगे कर लेते हैं। अब 3,500 का यहाँ पर प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट 13,000 का है 2 लॉट के अंदर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर चेक करनी हो तो आप देखो 67% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि हाइयर साइड में है, ठीक है। अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ानी है कि भाई 13,000 बहुत कम है मेरे लिए, ठीक है, मुझे चाहिए थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे, स्ट्रैंगल जब आपने डाला उसी टाइम पर आप क्या करोगे, जहां पर मार्केट खड़ा है 25,000 पर खड़ा है मार्केट, उसी का कॉल और पुट दोनों सेल कर दोगे सेम लॉट साइज में। कॉल और पुट की लॉट साइज जो है वो सेम रखनी है, दो दो लॉट हम लोगों ने सेल कर दिया। अब देखो सीधा आपका 47,000 का प्रॉफिट जो है वो होने वाला है, यानी ये अगर प्रॉफिट हुआ तो मंथली के अंदर आप 19% का प्रॉफिट कर रहे हो। जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो कितने परसेंट मंथली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, ये कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है। किल्लेट से हम लोगों ने मार्केट को फ्राइडे देखा, ठीक है, मार्केट फिर से नीचे गिरा थोड़ा सा, 300 पॉइंट और नीचे गिरा मार्केट, ठीक है, और मंडे यहाँ आते आते मंडे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, मैं मार्केट को 24,600 तक गिरा देता हूँ फिर भी लॉस नहीं है, 600 छोड़ो, मैं 500 तक गिरा देता हूँ फिर भी लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है, ठीक है। और यहाँ से 25,000 से मैं मार्केट को 400 तक ऊपर लेकर के जाता हूँ, ठीक है, 400 पॉइंट ऊपर लेकर के जाता हूँ फिर भी प्रॉफिट है। अब जाने आने के लिए मार्केट को दिन तो लगेंगे, 2-4 दिन तो लगेंगे, हम लोग 2-3 दिन आगे कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी प्रॉफिट है। अब यहाँ से मार्केट अगर फिर से करेक्शन करेगा, ठीक है, कि रुकेगा या फिर करेक्शन करेगा, थोड़ा बहुत भी नीचे गिरेगा, तो आपको 4% का प्रॉफिट दिखने लगेगा। ऐसे करते करते हम लोग क्या कर जाएंगे, मंडे के दिन फिर से इसको होल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है कि 25,000 एक राउंड लेवल है, यहाँ पर ज्यादा टाइम रुक सकता है, हम लेट से डिसाइड करते हैं कि 200 पॉइंट उसको और गिरा देंगे, ठीक है। अब देखो आप लोगों को कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, 10% 9% अगर प्रॉफिट हो जाए आपको, तो आपको प्रॉफिट जो है उसको बुक कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने और मार्केट को थोड़ा नीचे गिराया, ठीक है, इसको दिन में और आगे लेकर के गए, ठीक है, और नीचे गिरा मार्केट, मतलब ड्रास्टिकली नीचे गिरा, और दिन आगे बढ़ते चले गए, ठीक है, और मार्केट रिकवर करके फिर से ऊपर की तरफ आया, आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का आपको सीधा सीधा प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या है कि भाई ऐसे कैसे ऊपर नीचे मार्केट जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ से मार्केट गया, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे गिरेगा, नीचे गिर करके ऑलरेडी नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। जब मार्केट ये सब कुछ कर रहा होगा तो करीब करीब 1 या 2 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से क्या कर गया, यहाँ से पहले मार्केट नीचे की तरफ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन लगे, यानी कि 1 हफ्ता पूरा लग गया, 1, 2, 3, 4, 5 दिन लग गए, 5 दिन मार्केट फिर से नीचे गिरा, 5, 6 दिन पूरे लग गए, यहाँ तक मार्केट को आने आने के लिए 8 से 15 दिन का टाइम जो है वो लग गया। अब मार्केट में सोचो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से कहीं पे कंसोलिडेट करेगा, इस तरीके का मार्केट अगर रहा तो आपको 101% मंथली के अंदर प्रॉफिट होने वाला है, और नेसेसरी नहीं है कि हर मंथ आपको प्रॉफिट में ही निकलना है, लेकिन लॉस आपको बहुत मुश्किल से होगा। अगर आज ही इसने ये लेवल दिखा दिया, ठीक है, आज के आज ही इसने ये लेवल दिखा दिया, दैट टू के 24,000
500 का, मतलब थर्सडे फ्राइडे के दिन अगर इसने 500 का लेवल दिखा दिया, फिर तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, ठीक है। देखो 5% का लॉस है, लेकिन इतना लॉस हम लोग नहीं लेने वाले हैं। हम लोग कहाँ पर रुक जाएंगे, हमारा ब्रेक इवन जो है वो करीब करीब देखो इतना 200, 200 250 तक हम लोग रुकेंगे, है ना। 1% के लॉस पर हम लोग क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। 1% का प्रॉफिट आपका निकल करके आ रहा है, लॉस जो निकल करके आ रहा है, 2200 से 2500 रुपये का हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी हम लोगों को, ठीक है। और इसको हेजिंग करने का भी तरीका है, मैं आपको कम्युनिटी बैचेस में सब कुछ सिखाऊंगा। अगर आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन करते हो तो आज ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है और मैं इसको आपको इन डिटेल में कम्युनिटी बैच में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग कम्युनिटी बैचेस में मिलते हैं या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।